सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया ही कौतूहलकारी विषय लेके आया हूँ जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन चूंकि मैं तंत्र का मंत्र का पूरा ज्ञान देता हूँ तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी गोपनीय चीज लेके आया हूँ जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। अगर जानते भी होंगे तो उसका परिचय आपको नहीं पता होगा कि इसे कैसे किया जाता है, या तांत्रिक लोग इस तरह के कार्यों को संपन्न करते हैं तो किस प्रकार से इन कार्यों को संपन्न किया जाता है। तंत्र में ऐसी गोपनीय बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको गोपनीय तरीके से अगर किया जाए तो बहुत ही तीव्र अपना प्रभाव दिखाती हैं। मैं यहाँ पर उनके मंत्र नहीं बताऊँगा क्योंकि गलत चीज़ सिखाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है सिर्फ जानकारी देना ताकि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या ऐसा कुछ किया जा रहा है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो, पता हो कि क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ नहीं है, तो इसका कैसे तोड़ किया जाए। इसलिए मैं मंत्र नहीं बताऊंगा, उसको छोड़ के बाकी पूरी बात आपको बताऊंगा। तो आज का मेरा विषय है तांत्रिक कीले। तांत्रिक कीले ऐसे जो है कर्म होते हैं जिसके आधार पे कहीं पर किसी का भी बड़ा से बड़ा नुकसान या किसी के कार्य को रोकना या उसको बांध देना जिसे कहते हैं वो किया जाता है, तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि लोहा और तांबा धातु ऐसी हैं तो इनसे कुछ कीले जो है बनाई जाती हैं, कुछ मानव हड्डी से भी जो है तांत्रिक कीले बनाई जाती हैं और इनकी जो माप होती है वो 4, 8, 12, 10 अंगुल के प्रमाण में जो है बनाई जाती है। कुछ पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं और लकड़ी की जो विशेष तरह की जो कराने के लिए इन शक्तियों का जो है प्रयोग किया जाता है ये बताया जाता है। कई बार जो है पशुओं को जो है दूध से भागने पर उस पर प्रयोग करते हैं, या फिर कहिए कि घर को कीलने के लिए या डेहरी जो होती है घर का जो बाहरी दरवाजा होता है वहाँ उसको कीलना होता है, किसी की वृक्ष क्या या फल को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी लोग जो है गलत कामों में किसी की दुकान या मकान या मनुष्य को या किसी रूप में जो है हानि पहुंचाने के लिए भी ये प्रयोग की जाती है और इनका तो बहुत ही ज़्यादा नाजायज तरीके से प्रयोग किया जाता है। मैं तो यही देखता हूँ कि ये गलत कार्यों के लिए ही ज़्यादातर इनका प्रयोग करते हैं लोग, और मैं सिर्फ आपको यहाँ इसीलिए जानकारी दे रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ क्या है और लोग अगर करते हैं तो कैसे कर रहे हैं। बाकी कृपया मैं कहता हूँ किसी का भी नुकसान मत कीजिए क्योंकि किया गया कोई भी कर्म होता है उसका फल एक निश्चित होता है और ईश्वर निश्चित रूप से दंड देता है, इसलिए कभी मत करिए। लेकिन आपको बताने के लिए, और इसीलिए मैं मंत्र नहीं बताऊँगा उनके साथ में, तो सिर्फ जानकारी भर है। तो ये नुकसान या पाप करने के लिए ही होता है और दूसरे को विशेष रूप से नुकसान पहुँचा देता है, ये मैं आपको सांकेतिक रूप में यहाँ पर बता रहा हूँ। तो एक अब बताता हूँ पहले कि एक होती अर्क यानी आक की बनी हुई कील। कहते हैं कृतिका नामक नक्षत्र में अर्क या आक या मदार की 16 अंगुल की कील बना करके मंत्रों का जाप करते हुए अगर मदिरालय यानी कि शराब घर या ठेके में अगर आप जाकर के गोपनीय तरीके से रात को गाड़ देते हैं तो मदिरा का नशा जो है नहीं रहेगा, देखने में शराब होगी, पीने में पानी जैसा काम करेगी, इस वजह से लोगों का मोह उससे हटने लगेगा और वो मदिरालय धीरे धीरे करके नुकसान में चला जाएगा। इसी तरह एक पीपल की कील होती है, इसको अश्विनी नक्षत्र में पीपल वृक्ष की जड़ यानी मूल की लगभग 10 अंगुल लंबी आप इसमें कील बना करके किसी के अगर घर के द्वार पर अगर गाड़ दी जाए और उसे पता ना चले रात के समय जाकर, तो वह घरवासी अचानक जो है घर छोड़कर चला जाएगा या फिर उस घर को हमेशा के लिए त्याग देगा। ये भी बहुत गोपनीय प्रयोग होता है, इसमें जो मंत्र होता है वो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, बस अगर आपके यहाँ हुआ हो तो ये जान सकते हैं कि कैसे ये ऐसा प्रयोग आपके यहाँ किया गया है। इसी प्रकार एक होती है वट वृक्ष की कील, तो इसमें पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में वट वृक्ष यानी कि बड़ वृक्ष जिसे कहते हैं उसकी जड़ को लेकर स्त्री अपनी बाजू पर अगर बांधेगी
तो गर्भ जो है स्थापित हो जाएगा, यानी कि उसके बच्चा गर्भ में आ जाएगा। इसी प्रकार बांध्या यानी बांझ स्त्री भी इस प्रयोग से माँ बन सकती है, लेकिन इसे गोपनीय तरीके से करना चाहिए और मंत्र का जाप करके करना चाहिए। इसी प्रकार एक होता है चिरचिटे की कील। तो चिरचिटे की जो जड़ होती है उसकी एक आप चार अंगुल लंबी कील बना के अगर बना लें और इसके बाद अगर स्त्री अपनी योनि में इसको रख ले तो बच्चा जो है वो बिना कष्ट के पैदा हो जाएगा और प्रसव वेदना कष्टप्रद नहीं होती है। चिरचिटे की कील इस काम में आती है। एक होती है बेरी की कील। तो विशाखा नक्षत्र में बेरी बेरी की जड़ लेकर अगर आप आठ अंगुल लगभग लंबी कील बना करके केलों के वृक्षों के बाग बगीचे में अगर गाड़ देंगे तो केले नहीं लगेंगे, और केले लगेंगे तो धीरे धीरे कर सड़ जाएंगे या खराब हो जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। इसमें जो है विशेष मंत्र का जाप करना पड़ता है, इसीलिए मैं मंत्र नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कोई ऐसा करने न लग जाए। लोगों की तो आदत होती है कि दूसरे का बुरा करने की, इसलिए मैं बिल्कुल मंत्र नहीं बता रहा हूँ आपको। सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आपके यहाँ ऐसा हुआ हो तो वो कीले आप जो है उसको तांत्रिक तरीके से उस कील को निकाल लें और पता लगा पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है ताकि आप जो है बचाव कर सकें अपना। एक होती है सुपारी की कील। ये जब शतभिषा नक्षत्र हो तो पान में रखकर खाने वाली सुपारी जो है वृक्ष जो है ये दक्षिण भारत में पाया जाता है कि जड़ को 9 अंगुल की कील बना करके पान के खेत या पान की दुकान में अगर गाड़ देंगे तो दुकान नहीं चलेगी, खेत में भी बेल और पत्ते नहीं लगते हैं, ऐसा तंत्र में प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको गोपनीय मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार एक होती जामुन की कील। तो जामुन वृक्ष की अगर 8 अंगुल लंबी कील अगर आप लें और उसे अनुराधा नक्षत्र में लेकर के दूध वाले ग्वाले के घर में अगर गाड़ देंगे तो घर का सारा दूध नष्ट हो जाता है और धीरे धीरे पशु बीमार होने लगते हैं और पशुओं से दूध निकलना बंद हो जाता है। मैं तो कहूँगा ये करना ही नहीं चाहिए, लेकिन किसी का हो रहा हो तो वो समझ सकता है कि उसने जामुन की कील का प्रयोग किया है। मंत्र में नहीं, इसीलिए मैं मंत्र भी नहीं बताता हूँ। एक है कनेर वृक्ष की कील। ये लगभग 3 अंगुल लंबी कनेर वृक्ष की जड़ की कील होती है और इसे हस्त नक्षत्र में बनाकर यदि कुम्हार के घर में गाड़ दी जाए तो उसके सारे बर्तन खराब होने लगेंगे और जो भी वो बर्तन बनाएगा वो टूट फूट जाएंगे या खराब हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। इसमें भी गोपनीय मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार एक होती है छीरी, यानी कि इसको हम खीरी या खिरणी की कील भी कहते हैं। इसके लिए आपको भरणी नक्षत्र में क्षीरी यानी खीरी या खिरणी कुछ भी इसको कह लीजिए, या निवोली जैसे जैसे पीले पीले फल खिरणी की होती है उसी तरह माना जाता है कि जड़ की अगर आप लगभग 5 अंगुल की कील बनाकर नाव में यानी किश्ती में अगर किसी की गाड़ देंगे तो नाव चलने जो है का नाम नहीं लेगी या कहिए कि वो खराब हो जाएगी धीरे धीरे करके और वो बिगड़ जाएगा मामला उसका, या अगर बोट में गाड़ देंगे तो बोट भी जो है वो गड़बड़ हो जाती है उसका धीरे धीरे करके गोपनीय तरीके से, अगर उस पर नज़र नहीं पड़ी किसी की तो वो ख़राब हो जाती है और गोपनीय मंत्र का प्रयोग इसमें करना चाहिए। रात में ही ये प्रयोग सारे किए जाते हैं और गुपचुप तरीके से गाड़ दिया जाता है ताकि उस सामने वाले को नुकसान हो जाए। क्योंकि ये नुकसान करने वाले प्रयोग हैं इसलिए मैं यहाँ मंत्र नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ जानकारी भर है ताकि आपको ये पता रह जाए कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कुछ तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि उसने कील का प्रयोग किया है तांत्रिक ने। तो ऐसे करने के लिए आपको किसी योग्य तांत्रिक से मिलकर के वो कील निकलवानी होती है। वो कील अगर आकर आपकी लग गई है या किसी ने ऐसा प्रयोग किया है तो वो कील आकर के तांत्रिक निकाल देगा या आप खुद भी निकाल लेंगे। और जो है मंत्रों का आप जाप करते हुए, इसमें अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हुए, माता दुर्गा के मंत्र या हनुमान जी का, भैरव जी का, इन सब देवी देवताओं में से किसी का भी अगर आप मंत्र जाप करते हुए कील को निकाल लेंगे तो आपको जो है जिसने भी जो प्रयोग किया है उसका प्रयोग वो नष्ट हो जाएगा और जिसने किया है उसको भी नुकसान होगा। तो ये तांत्रिकों के जो है बेहद खतरनाक प्रयोग हैं, मैंने जो आपको भी बताए हैं, और ये जानकारी इसलिए ही मैंने बताई है ताकि आप लोग जान सके कि ऐसा ऐसा तांत्रिक लोग करते हैं। हालांकि सिद्ध तांत्रिक अब नहीं रह गए हैं और लोग जानकारी भी कम रखते हैं और जिसको पैसा आने लगता है तो वो सिर्फ पैसे पे ध्यान देता है, इस बात पर नहीं कि हमें और ज़्यादा है तंत्र मंत्र में आगे बढ़ना है। तो इस वजह से तो अब
इतने भयंकर प्रयोग लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे गोपनीय लोग हैं, अवघड़ लोग हैं या तांत्रिक, खासतौर से अघोरी तांत्रिक हैं, उनके पास इस तरह की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं और गाँव क्षेत्रों में एक प्रयोग ज़्यादा देखने में मिलते हैं। तो इसलिए जो है, क्योंकि शहरों में तो मकान पक्के भी होते तो गाड़ेगा कहाँ, बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। ये ज़्यादातर एक उत्तराखंड में बुक्सा नाम का एक प्रयोग होता था, वहाँ पर जो मकान बनना होता था उसकी नींव में बाल हड्डी और मनुष्य के बाल हड्डी और इस तरह की जो है थूक वीर ये सब मिला करके अगर नींव में डाल दिया जाता था, वहाँ की जो है डाल देते थे, तो वो घर में कभी बरकत नहीं होती थी, पूरा परिवार टूट जाता था। और जब वो मकान पूरा बन जाता था तो बाहर में तोड़ करके नींव से उन चीज़ों को निकाला जाता था। ये चीज़ मैंने देखा है उत्तराखंड में जब मैं था, तो इस वजह से वहाँ उन घरों में बरकत नहीं हुई, उनका पूरा घर सर्वनाश हो जाता था। तो इस प्रयोगों से बचने के लिए भी घर में अगर जब कभी घर बन रहा हो या नींव आप डाल रहे हो तो भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कोई प्रयोग कर ना दे, क्योंकि ये गलत प्रयोग होते हैं और तुरंत प्रभावी होते हैं। छोटे छोटे मंत्र होते हैं भूत प्रेत चुड़ैलों के, उनको थोड़ी देर 108 112 111 बार जप करके इनका प्रयोग कर दिया जाता है और ये तीक्ष्ण प्रभाव दिखाते हैं। अगर सही नक्षत्र में डाल दिया जाए तो निश्चित रूप से वो घर परिवार बर्बाद हो जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, अगर कोई जानकार हो तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर ऐसा कोई मकान बना रहे हैं आप और आपकी नींव पड़ रही है तो आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि आपके साथ इस तरह का कोई दुष्प्रयोग ना करें। और जब भी कभी मकान वगैरह बनाएं तो उसमें चांदी के दो सर्प होते हैं वो भी डालना चाहिए मंत्रित अभिमंत्रित करके, ताकि आपके ऊपर इस तरह की बुरी बलाओं का प्रयोग चीज़ें ना आपके ऊपर हावी हो। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद। और हाँ, अपने अनुभव जरूर भेजते रहिए, क्योंकि अनुभवों से काफ़ी लोग जो है प्रभावित होते हैं और बड़ा अच्छा उनको लगता है। तो आप एक अच्छी भाषा में लिख करके अपने अनुभव जरूर हमको भेजते रहें। आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।